वेलकम टू वॉलनट स्कूल, और ये है हमारा शिवणे कैंपस। तो यहाँ पर तीन बिल्डिंग्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्डिंग्स एक दूसरे के बिल्कुल पास है, और बेबी वॉलनट किंडरगार्टन सेक्शन ये एक सेपरेट बिल्डिंग है। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप करेक्ट बिल्डिंग पर हैं, और फिर टूर शुरू करते हैं। अगर अभी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अंदर जाकर स्कूल देखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यह पूरा वीडियो देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है स्कूल में। अगर स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। इस सिचुएशन में भी आप ये वीडियो यूज कर सकते हैं टूर गाइड समझकर। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वीडियो में, वहां पहुंचने तक सिर्फ पॉज करते जाइए वीडियो, ताकि आपको बराबर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। रेडी? तो अब मैं आपको हमारी स्कूल दिखाती हूँ। आप जब चाहे वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको रुक कर और देखना है। बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे पास जो लर्निंग सिस्टम और एक्टिविटीज सारे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मेक श्योर कि आप वो सब देखते हैं, तब आप बेबी वॉलनट की फिलॉसफी और एक्चुअली क्या होता है वो ठीक से समझ जाएंगे। ये जो टूर है ये सिर्फ आपको बिल्डिंग और फैसिलिटीज दिखाने के लिए है। सो लिफ्ट के तरफ फेस कीजिए और टूर शुरू कीजिए। अगर आप वहाँ नहीं हैं तो पॉज कीजिए, अगर वहाँ हैं तो शुरू हो जाते हैं। तो अब हम खड़े हैं किंडरगार्टन लॉबी में। आप आजू बाजू में देखेंगे तो केजी में भी अलग अलग क्लासरूम्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और हर 30 मिनट पीरियड के बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास जाते हैं और वहाँ 1-2 मिनट में पहुँच जाते हैं। अपने कॉरिडोर्स और फ्लोर भी कितनी फन है बच्चों के लिए, ये भी आप देख सकते हैं। तो आपके लेफ्ट में कुछ क्लासरूम्स है, वहाँ चलेंगे पहले। तो फर्स्ट रूम टू द लेफ्ट है लर्न। तो यहाँ पर बच्चे दुनिया के बारे में सीखते हैं और बेसिक्स ऑफ मैथ एंड साइंस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और इतने एंथू रहते हैं कि घर जाके उनको पेरेंट्स को भी सब सिखाना है। इसके बाजू वाला रूम है थिएटर। तो इस रूम में मिरर्स है क्योंकि बच्चे यहाँ डांस सीखते हैं, और जब थक जाते हैं या सॉन्ग सीख रहे हैं तब मैट्स पर बैठते हैं। अब यहाँ से आते हैं बाहर पैसेज में और ऑपोजिट रूम देखते हैं। ये रूम है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अलग अलग चैलेंजेस ट्राई करते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको। स्ट्रैटेजी गेम्स भी खेलते हैं इस क्लास में, वो आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेते हैं। चलो जाकर देखते हैं और बाजू में क्या है। यहाँ पर है रूम जिसका नाम है राइट। तो यहाँ बच्चे उनका इंग्लिश और मैथ रिलेटेड राइटिंग वर्क करते हैं। यहाँ पर उनको डेस्क और चेयर्स है यूज़ करने के लिए। अब जाते हैं वापस लॉबी में। आपको लिफ्ट के दोनों तरफ वॉशरूम्स दिख रहे हैं। तो हर फ्लोर पर ऐसे अलग अलग टॉयलेट्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और माउशीज़ हैं जो हेल्प करते हैं उनको हमेशा। और पीने के पानी के लिए हमारे पास है आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट जो रेगुलरली चेक होता है और प्रॉपरली मेंटेन्ड है। और हाइजीन के लिए उनको डिस्पोजेबल ग्लासेस भी देते हैं। बच्चे पानी पी सकते हैं जब उनके क्लासेस चेंज होते हैं, तो बेसिकली हर आधे घंटे में उनको वॉशरूम या वाटर का ब्रेक मिल ही जाता है। और सब जगह पर सीसीटीवी कैमरास है, आप देखेंगे कहीं पर भी आपको दिख जाएंगे। अब लॉबी के दूसरी तरफ है एक रूम जिसका नाम है रीड। बच्चों का एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है यहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं, और हम बहुत प्राउड है कि हम बहुत आगे हैं टीचिंग में, और हमारे बच्चे 2 साल आगे चले जाते हैं बाकी बच्चों के रीडिंग में भी। अब बाहर आ जाइए और बाजू वाला रूम देखिए। यहाँ पर एज सच एक्टिविटी नहीं है, ये एक स्टूडेंट लाउंज करके समझ लीजिए। अगर कोई बच्चे एंग्शियस है या अनवेल है तो उन्हें यहाँ पर लाया जाता है शांत करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए। तो अब इसी के आगे देखिए तो एक छोटा सा ब्रिज दिखेगा आपको। ये कहाँ जाता है? तो ये मम्मा चाइल्ड एरिया में जाता है पिकअप और ड्रॉप ऑफ के। ये कितना अच्छा एरिया है, ये हम कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सैटरडेज को, और सेलिब्रेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं जैसे कि भोंडला, दही हंडी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से हम वापस आते हैं स्टूडेंट लाउंज में और ऑल द वे स्टेयरकेस के तरफ जाते हैं और ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जब आप ऊपर आते हैं
तो राइट ऑपोजिट द स्टेयरकेस आपको दिखती है कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पर अपने बेबी वॉलनट स्टूडेंट्स आते हैं वंस अ वीक कंप्यूटर पीरियड के लिए। वो माउस कंट्रोल सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो, और घर जाके ग्रैंड पेरेंट्स को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत क्यूट लगता है। आप अगर कंप्यूटर रूम की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपके राइट पर है स्पीकिंग रूम। यहाँ पर बच्चे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करते हैं टीचर के साथ, तो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं और प्रैक्टिस भी करने मिलता है उन्हें जो बाकी क्लासेस में सीखते हैं। यह बहुत अच्छी एक्टिविटी है उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए भी। और ये बाकी के फ्लोर पर और इसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी आपको रूम्स दिख जाएंगे और भी रीड राइट और लर्न के। आप चाहे तो घूमकर ये रूम्स भी देख सकते हैं, पर मुझे आपको एक्चुअली दिखाने हैं फोर्थ फ्लोर पर। तो लिफ्ट लेकर वहाँ जाइए और फिर लिफ्ट से बाहर आकर एक फ्लोर ऊपर टेरेस तक चल के जाइए, और टेरेस पहुँचने तक ये पॉज कीजिए वीडियो। आ गए टेरेस पर, देख लीजिए हमारा बेबी वॉलनट का प्ले एरिया। तो यहाँ किंडरगार्टन के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बैलेंस करते हैं, बॉल फेंकते हैं, पकड़ते हैं और उनकी पेंटअप एनर्जी बर्न करते हैं। ये एरिया टोटली कवर्ड है तो उनको धूप से बारिश से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नीचे ग्रास भी है का अगर गिरे तो चोट ना है। ठीक है, अब एक फ्लोर नीचे जाते हैं, लिफ्ट में जाते हैं और ऑल द वे नीचे जाना है बिल्कुल। तो ये रहा हमारा बेसमेंट। तो आप जब लिफ्ट से बाहर आते हैं तो आपको दिखेगा कि आपके लेफ्ट पर है ईटिंग एरिया और राइट पर है बस चिल्ड्रन का पिकअप और ड्रॉप ऑफ एरिया। तो पहले ईटिंग एरिया देखते हैं। केजी के बच्चे जब स्कूल पहुंच जाते हैं तब उनके टिफिन बैग्स एक क्रेट में रखते हैं और फिर वो उनको दिए जाते हैं जब वो खाने के लिए आते हैं। वो हाथ धोते हैं, फिर आकर बैठते हैं, वो टेबल मैनर्स भी सीखते हैं जैसे वो खाना खाते हैं, फिर वो हाथ धोते हैं खाना खाने के बाद और उनके टिफिन बैग्स वापस क्रेट्स में रखी जाती हैं। ये जब वो घर जाते हैं तब उनको दी जाती है। तो दिन भर बच्चे हैंड्स फ्री घूमते हैं। अब जाते हैं बस चाइल्ड डिस्पर्सल एरिया देखने के लिए। ये कितना अच्छा एरिया है। ये हम कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सैटरडेज को, और सेलिब्रेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं जैसे कि भोंडला, दही हंडी एक्सेट्रा। अगर आप बिल्डिंग के दूसरी तरफ देखेंगे ये बस एरिया के आगे, तो आपको एक छोटी स्टेयरकेस और गेट दिखेगा। यहाँ से बस के बच्चे आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए वापस सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर तक लॉबी में जहाँ से हमने टूर शुरू की थी। तो वहाँ पर काउंसलर्स हैं, अगर आपको कुछ सवाल है तो उन्हें पूछ लीजिए, और डेफिनेटली पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि बेबी वॉलनट के बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी की भी बिल्डिंग्स देख लीजिए क्योंकि केजी के बाद हमारे बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं। थैंक यू।